एक ऐसा अद्भुत सिद्ध पीठ जहाँ की मूर्तियाँ आपस में बात करती हैं तथा सच्चे मन से मांगी गई मुरादें पूरी होती हैं। आज हम आपको लेके चलते हैं एक ऐसे सिद्ध पीठ पर जहाँ की मूर्तियाँ आपस में बात करती हैं तथा सच्चे मन से मांगी गई कई मुरादें पूरी अवश्य हो जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बक्सर जिले के डुमराव नगर अंतर्गत माँ राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी मंदिर की, जिसे सिद्ध पीठ भी कहा जाता है। इस मंदिर की कई विशेष विशेषताएं प्रसिद्ध हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि अक्सर अमावस्या की मध्य रात्रि में यहाँ की मूर्तियाँ आपस में भी बात करती हैं, ऐसा कई सालों से सुना जाता है। इसमें प्रत्येक दिन सुबह शाम भव्य आरती का आयोजन होता है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोग भाग लेते हैं। आरती के समय बच्चे बूढ़े तथा महिलाओं की काफ़ी भीड़ लगती है तथा आरती के वक्त पूरी तन्मयता से सभी लोग माँ की आराधना में लीन देखे जाते हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों की माने तो इस मंदिर की काफ़ी सारी मान्यताएं हैं। अगर कोई भी सच्चे दिल से माँ के सामने अपनी फरियाद सुनाता है तो माँ उसकी मुरादें अवश्य ही पूर्ण कर देती हैं। और यह बात बिल्कुल सत्य है कि यहाँ की मूर्तियाँ आपस में बातें करती हैं। यह हम अपने पूर्वजों से भी सुनते आ रहे हैं तथा इसी त्रिपुर सुंदरी माता के मंदिर में ही चरण की मिट्टी से गया के स्थित का बंगलामुखी मंदिर का स्थापना हुआ है। यहाँ के मुख्य पुजारी किरण शंकर प्रसाद बताते हैं कि यह मंदिर करीब 250 से 300 वर्ष पुराना है और यह खास मध्य रात्रि में यहाँ की मूर्तियाँ आपस में बात करते प्रतीत होती हैं तथा सच्चे दिल से मांगी गई मुरादें अवश्य पूर्ण होती हैं। आपको बता दें, यहाँ नवरात्रि में कलश स्थापना नहीं होता क्योंकि यहाँ सिद्धपीठ तांत्रिक मंदिर है। इसके अलावा जो साधक साधना करना चाहते हैं, वह तांत्रिक विधि से पूर्ण करना चाहते हैं, वो यहाँ आकर सिद्ध करते हैं। तथा खास बात यह है कि जितने भी माँ के राजेश्वरी त्रिपुरी मंदिर का, वह सभी चतुर्भुजी है मगर यह द्विभुजी है, जिसका एक भुजा वर मुद्रा तथा दूसरा हाथ में कमल का फूल लिए हुए है। ऐसे जो भी हो, मगर यहाँ के स्थानीय श्रद्धालुओं की माने तो इस मंदिर को लेकर अपार श्रद्धा देखने को जरूर मिलती है। सुमन सिंह के साथ संजीव उपाध्याय की रिपोर्ट, CNB News, बक्सर।